अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब इस किस्से को यही यही खत्म कर देते। तू अपने बीबी को मारेगा? मारूंगा। अलविदा बीबी, अलविदा। भी छीना उसका बिना पूरा हो गया। हम सुकून से जियोगा और हैप्पी रहूंगा बेबी। हाँ प्लीज है ना, ये अगले जन्म में प्लीज मुझसे मत मिलना। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये फैक्ट्री के पीछे वाले गोडाउन में एक लाश पड़ी है, उसे निकालने लगा तो जल्दी से। अरे भैया बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, पूरी हवेली बाहर से चमकनी चाहिए और जो डेकोरेशन है ना वो शाम तक पूरी होनी चाहिए। कुछ भी करके जल्दी कीजिए यार, कम ऑन। अरे आचल केक लाओ। नंदन क्या हो रहा है बेटा? ये केक सेलिब्रेशन किसी का जन्मदिन है या कोई त्योहार है? माँ पापा, इस घर ने बहुत दुख देख लिया है, लेकिन बस अब सब खत्म, अब सिर्फ और सिर्फ जश्न का ही माहौल रहेगा। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन बात क्या है? दादाजी, जैसा कि हम सभी को पता है कि परम पूज्य बिग बी पहले ही भगवान को प्यारे हो, और आज उनकी चालाक बेशरम पत्नी सुमन भी घर छोड़कर चले गई है। नंदन क्या हो गया तुमको? तुम अपने बड़े भाई और भाभी के बारे में कैसे बात कर रहे हो? माँ ये देखिए केक भी आ गया। हाँ तो माँ जी, क्या गलत कहा नंदन जी ने? वैसे भी जब तक वो दोनों घर में थे तो इस घर में कल ही एक टेंशन के सिवा और कुछ भी नहीं था। अब फाइनली हम सब राहत की सांस ले सकते हैं, आप बस देखते जाओ माँ जी। सबसे पहले घर के बड़े दादाजी, दादाजी केक खाए। कोई बात नहीं माँ, माँ आपके खाएंगे। नहीं बड़के बहुआ, सुमन के लिए तुम जो कहे वहां तक ठीक था, लेकिन बड़के बहुआ के लिए जो कहे ना, मन खट्टा कर दिया उसने। हम तुम्हारे इस खुशी में सहभागी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तुम तो खाए। और एक केक का बड़ा टुकड़ा मैं खुद खाऊंगा। अब साउंड। नंदन जी पुलिस आई है। आप में से नंदन झा कौन है?
मैं ओके। क्या हुआ? आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है और आपको अभी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। अरेस्ट करो इन्हें। ए, क्या 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 कह रहे? रुक जाइए, आप ऐसे कैसे इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं? कारण ये है, नंदन झा पे अंशुमन झा के मर्डर का इल्जाम है। और किसने दे तुम्हें ये डी इन्फॉर्मेशन? हमने। और ये बकवास नहीं है नंदन, ये सच है। और ये सच्चाई हमने खुद पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को बताई। अपने पति के खून का इल्जाम और गवाही दोनों हमने ही दी। हमें तुम्हारे सच के बारे में पता चल चुका है नंदन, और अब समय आ गया है कि पूरे परिवार वालों को भी वो सच्चाई बता दो। तुम बेटा सुमन, ये तुम क्या कह रही हो? यही सच है पापा। कल शाम नंदन ने हमारे अंशुमन जी की जान ले ली, उनका खून कर दिया। सुरभि जी। अरे पापा, ये पागल हो गई है, ये लड़के घर में कहां से आए? निकालो उसको यहां से। भलो, और ये क्या क्या कल शाम लगा रही हो तुम? हाँ, क्या लगा के रखा है ये? बिग भी 6 महीने पहले ही एक्सीडेंट में खत्ता मर चुके हैं। नहीं दादाजी, नहीं सुरभि मां, नहीं पापा। हमारे अंशुमन जी 6 महीने पहले नहीं मरे थे, वो मौत को धोखा देकर वापस आ गए थे। कल शाम तक हमारे अंशुमन जी जिंदा थे, और फिर नंदन को उनके बारे में पता चल गया तो नंदन ने उनको खत्म कर दिया। और ये बात कि कल शाम तक वो जिंदा थे, ये सच है मिस्टर झा। वो अपनी डीएनए रिपोर्ट लेके पुलिस स्टेशन खुद आए थे, ये साबित करने के लिए कि वही अंशुमन झा है। और उन्होंने ये पूर्व निर्धारित एफआईआर दर्ज करवाई थी कि अगर अंशुमन जी की जान को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगे मिस्टर नंदन झा। तो घटिया कहानी है तुम लोगों की। हाँ, कुछ भी बोल रहे हो। और हाँ, इतनी बुद्धि ना मुझे भी है। ये सब जो कहानी सुना रहे हो ना तुम लोग, बनावटी कहानी है, और बनावटी कहानी के दम पे तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, समझ रहे हो? सही कह रहे हो तुम। और ये बात हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोगों को कहानियों के बलबूते पर नहीं, सच्चाई के बलबूते पर गिरफ्तार किया जाता है। हम अच्छे से जानते हैं नंदन, और इसलिए हमने कोर्ट से नार्को टेस्ट की परमिशन ली है।